नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। आज भी आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, चेयरमैन कौन बनाए गए हैं। तो दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन, उसे अल्पसंख्यक आयोग भी कहा जाता है, तो उसके हेड कौन बनाए गए हैं। अभी हाल ही में अगर उनके अपने न्यूज़ वगैरह में आपने देखा होगा तो फेसबुक में बड़ा चर्चित रहे थे इनके जो अध्यक्ष थे पुराने वाले, तो उनकी जगह नए आए हैं। फिलहाल उस बारे में जरूर बात करेंगे, लेकिन चलते हैं पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। पहली जानकारी है कि भारत में अब नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन यानी कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक परिषद का गठन किया जा रहा है। ये परिषद की मांग जो है वो काफी लंबे समय से है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि भारतीय कानून के अंतर्गत ट्रांसजेंडर के अधिकारों की अवहेलना की गई है। उन्हें किसी भी धर्म या जाति का ना मानते हुए उन्हें एक अलग ही प्राणी मान लिया गया है और उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान नहीं किए गए हैं। तो ऐसे में उत्तर पूर्वी राज्यों से काफी ज्यादा डिमांड थी कि इस काउंसिल का गठन किया जाए। कभी भी किसी काउंसिल का गठन होता है तो उसका सीधा सा मोटिव यह होता है कि उस पर्टिकुलर काउंसिल का मतलब होगा कि वो उनसे जुड़े हुए सभी मुद्दों यानी कि कल्याणकारी मुद्दों के ऊपर काम करेगी। तो हाल फिलहाल अब इसके जो हेड होंगे वो होंगे केंद्रीय सामाजिकता न्याय मंत्री। आप तब तक याद करो कि आपके वर्तमान समय में केंद्रीय सामाजिकता न्याय मंत्री या केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस कौन है। तब तक मैं न्यूज आपको बता देता हूं, जब याद नहीं आएगा तो मैं खुद आपको बता दूंगा। तो इस परिषद का नेतृत्व जो है वो केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री द्वारा किया जाएगा। इसमें 10 केंद्रीय विभाग सदस्य बनाए जाएंगे, समुदाय और केंद्रीय विभाग के सदस्य शामिल रहेंगे। इस परिषद का गठन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत किया गया था। अगर आपको याद हो तो इसी एक्ट के अंतर्गत देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी आपके उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बनाई जा रही है। राज्यों के साथ मिलकर सभी राज्यों में ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा। ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़ी आवश्यकताओं जैसे आवास, भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी जरूरतों को पूरा करना है। अब में से कई सारे जो लोग सोच रहे होंगे कि ट्रांसजेंडर क्या होता है, आपको पता होगा ट्रांसजेंडर उन व्यक्तियों को कहा जाता है जिनका जन्म के समय लिंग और बाद में लिंग में परिवर्तन हो जाता है, मतलब कि उसमें असमानता हो जाती है। तो इस तरीके के व्यक्तियों में ना पूरी तरीके से महिलाओं के गुण आ पाते हैं ना पूरी तरीके से पुरुषों के गुण आ पाते हैं, तो इस तरीके के व्यक्तियों को ट्रांसजेंडर कहा जाता है। ऐसा नहीं है, अभी तक समाज में बड़ा उपेक्षित माना जाता था इनको, लेकिन अब ये धीरे धीरे करके आगे आ रहे हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल किया है, कोई IAS बना, कोई सिविल सर्वेंट बना, कोई ऑफिसर बना, कोई जज बना, तो इनके बारे में बात करेंगे। और ध्यान रखेंगे कि जो सबसे पहले इसका जो डेवलपमेंट होगा वो जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, त्रिपुरा और गुजरात, इन 5 राज्यों में इसको बनाया जाएगा। तो शुरू में ट्रांसजेंडर जो काउंसिल बनेगी वो कहां पर बनेगी, इन 5 राज्यों में बनेगी, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, त्रिपुरा और गुजरात। इसके बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रांसजेंडर के लिए पहले प्रयास नहीं किए गए। पहला जो अच्छा प्रयास नजर आया था वो वर्ष 2014 में नजर आया था। तब राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बना भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर लोगों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता प्रदान की थी। वर्ष 2014 में एक निजी सदस्य विधेयक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया था और 2019 में संसद ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों के संरक्षण विधेयक को पास कर दिया था। ये जो काउंसिल गठन होगी इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो किस तरीके का होगा, एक अध्यक्ष होंगे जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री होंगे, एक उपाध्यक्ष होंगे जो राज्य मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के होंगे, और जो पदेन सदस्य होंगे वो परिषद के सदस्य होंगे, स्वास्थ्य परिवार मंत्रालय से होंगे, गृह मंत्रालय से होंगे, आवास मंत्रालय वगैरह से होंगे। कुछ मनोनीत सदस्य होंगे जो ट्रांसजेंडर समुदाय से 5 मनोनीत सदस्य यहां पर शामिल कराए जाएंगे। कुछ फेमस ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो काफी ज्यादा प्रसिद्धि पाए, इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर जो लायर हैं उनका नाम है सत्याश्री शर्मिला। इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर पुलिस ऑफिसर जो है उनका नाम है प्रीतिका यासिनी, और इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर जो जज है उनका नाम है ज्योता मोंडल, और इंडिया की पहली स्कूल प्रिंसिपल ट्रांसजेंडर जो है उनका नाम है मनावी बंदोपाध्याय। अब अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। जानकारी पे जाने से पहले आपको एक मुद्दे पर आपका ध्यान खींचता हूं। वैसे मैं इसको न्यूज के तौर पे शामिल नहीं करने वाला था कि बिकॉज ये पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ मुद्दा है,
लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बता देना चाहिए, इससे जो चीजें जुड़ी हुई हैं। यहां पर दो ट्वीट आपको दिख रहे हैं, दोनों ही ट्वीट प्रशांत भूषण के हैं। एक ट्वीट पर आपको शरद अरविंद बोबड़े, जो कि वर्तमान समय में CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, एक 50 लाख की बाइक पर नजर आ रहे हैं, उस पर उन्होंने ट्वीट किया है कि जो CJI है वो 50 लाख की गाड़ी चला रहे हैं बिना मास्क और बिना हेलमेट के, और ऐसे में वो जो गाड़ी चला रहे हैं वो एक BJP लीडर की है। यानी कि वो एक लिंक इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो BJP लीडर के अंतर्गत काम कर रहा है, और ऐसा वो बताना चाह रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को अधिकार लेने से वंचित कर रखा है। एक दूसरे ट्वीट में लिखा गया है, उन्होंने खुद लिखा था कि जब बहुत सारे हिस्टोरियन, यानी कि जब इतिहासकार पीछे देखेंगे पिछले 6 साल में कि कैसे हमारे यहाँ लोकतंत्र का सत्यानाश किया गया, और इसके पीछे हमारे पिछले 4 CJI यहाँ पर रहे, तो ऐसा रहा। और इन दोनों मामलों के लिए प्रशांत भूषण को क्या हुआ, अवमानना का दोषी पाया गया, और जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक सजा के ऊपर सुनवाई चल रही थी। अभी मुझे खुद नहीं पता कि इनको सजा मिली कि नहीं मिली, हो सकता है कि जब आपके पास ये वीडियो पहुंचे तब तक इस पर निर्णय आ चुका हो। तो न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 अभी हाल ही में चर्चा में रहा। चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिक अधिकारों के अधिवक्ता प्रशांत भूषण को न्यायालय के आपराधिक अवमानना का दोषी पाया है। अब दोनों पता होना चाहिए कि आपका नागरिक अवमानना क्या होती है और आपराधिक अवमानना क्या होती है। अधिवक्ता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ मानहानि संबंधी ट्वीट किया था। सुप्रीम कोर्ट की मानहानि किस प्रकार से है, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है इस मामले में, फिर मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूं। निर्णय में कहा गया कि ट्वीट ने एक संस्था के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की निंदा की है। यह माना जाता है कि भारतीय न्यायपालिका का प्रतीक होने के नाते सर्वोच्च न्यायालय पर एक हमले से देश भर में उच्च न्यायालय की साधारणवादी और न्यायाधीशों का सर्वोच्च न्यायालय से विश्वास उठ सकता है। न्यायाधीशों का समर्थन नहीं करना, कई सारे लोगों न्यायाधीश भी थे जिन्होंने समर्थन नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया कि ये जो उन्होंने ट्वीट किए हैं ये अवमानना का निर्णय बनता है। लेकिन न्यायाधीशों का क्या कहना था इस मामले में, हालांकि न्यायालय ने स्वीकार किया है कि उसकी अवमानना शक्तियों का उपयोग केवल कानून की महिमा को बनाए रखने के लिए किया जाना चाहिए, अगर किसी पर्सनल पर यानी कि किसी एक व्यक्ति के ऊपर आक्षेप लगाए जाते हैं तो इसमें न्यायालय को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, भले वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्यों ना हो। इसका उपयोग एक व्यक्तिगत न्यायाधीश के लिए नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ कहा होता, उन्होंने किसके बारे में कहा है, 4 पिछले CJI के बारे में कहा है और शरद अरविंद बोबड़े जी के बारे में कहा, तो न्यायाधीशों का यह कहना है कि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर नहीं प्रश्न चिन्ह उठाया, उन्होंने व्यक्तिगत प्रश्न चिन्ह उठाया। अब दोनों बातें अलग अलग हो गई, अब आपको समझ में आ गया मामला क्या चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अवमानना है, जबकि कई न्यायाधीशों का मानना है कि अवमानना नहीं है। न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 न्यायालय की इस शक्ति को सीमित नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 129 द्वारा न्यायालय को कुछ अधिकार प्राप्त है, और वो अधिकार क्या है, अनुच्छेद 129 के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होगा, लिखा पढ़ी वाला होगा, और इस तरह के न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी जिसमें स्वयं की अवमानना के लिए वो दंडित करने की शक्ति भी होगी। यानी कि वो कह रहे हैं कि आप इसे एक्ट के अंदर मत बांटो, जो 1971 में एक्ट आया था आप इसको उसके अंदर मत ले जाओ, हमारा कभी भी बेइज्जती होगा हम आवाज उठाएंगे, इनके कहने का मतलब ये है। और क्योंकि संविधान में अवमानना को परिभाषित नहीं किया गया है तो जो अधिनियम है उसमें परिभाषित किया गया। कैसे, दो तरह की अवमानना मानी जाती है, एक नागरिक अवमानना, न्यायालय के किसी भी निर्णय डिक्री निर्देश आदेश रिट अथवा अन्य किसी प्रक्रिया का किसी न्यायालय को दिए गए उपकरण के उल्लंघन के प्रति अवज्ञा को नागरिक अवमानना कहते हैं। मान लीजिए आपको सजा दे दी गई, आप सजा ले ही नहीं रहे, आपको बैन कर दिया गया इधर नहीं, तो आपका उल्लंघन माना जाएगा, यह न्यायालय की अवमानना मानी जाएगी। आपराधिक अवमानना क्या होती है, इसमें किसी भी मामले में किसी तरीके का प्रकाशन कर दें या किसी अन्य कार्य को, ऐसा कोई कार्य करें जिससे सर्वोच्च न्यायालय की छवि धूमिल होती हो या उसके किसी न्यायिक मामले में हस्तक्षेप पहुंचता हो। तो अगर देखा जाए तो 1971 अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ 1971 प्रशांत भूषण के जो ट्वीट है इन दोनों अवमानना के ऊपर जो परिभाषा दी गई है उस पर वैलिड नहीं ठहरते हैं। यानी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे सर्वोच्च न्यायालय के काम में हस्तक्षेप फैल रहा है, या उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। मेरे विचार नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरे विचार नहीं है, मेरे को मत इसमें घसीटना कि नहीं सर आप प्रशांत भूषण के वो हो गए, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं आपको सिंपल पक्ष बता रहा हूं, विपक्ष बता रहा हूं, कानून क्या कहता है वो आपको बता रहा हूं।
तो न्यायाधीशों का कहना यह है कि भाई जो एक्ट है 1971 उसके मुताबिक तो यह अवमानना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है एक्ट गया बाढ़ में, संविधान में क्या लिखा है, संविधान में लिखा है ना कि अगर किसी भी तरह की अवमानना होगी और सर्वोच्च न्यायालय खुद देखेगा उसको कि इसको अवमानना मानना है कि नहीं मानना है। 129 में सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना है और 215 में उच्च न्यायालय की अवमानना। तो आई थिंक आप पूरा मैटर आपको क्लियर हो गया होगा कि बवाल क्या है। बवाल यह है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि सीजीआई है तो उन्होंने अपने हिसाब से निर्णय दिया है कि इसमें अवमानना हुई है। न्यायाधीशों जो कानून के जानकार हैं उनका कह रहे हैं कि इसमें अवमानना नहीं हुई है। वो कह रहे हैं कि 1971 को उठा लो, वो कह रहे हैं कि संविधान को उठा लो, संविधान में ऐसा कुछ नहीं कहा गया। 1971 एक्ट को थोड़ा सा किनारे रखिए, उसमें और शब्द और ऐड किए जाने चाहिए, ये सब चल रहा है यहां पर। तो प्रशांत भूषण गलत है या सही ये आप डिसाइड करो। आगे चलते हैं, अगली जानकारी तक चलते हैं। आई थिंक आपको मैटर समझ में आ गया होगा कि आप खामखा, मैं भी बड़ा परेशान हो रहा था कि क्यों पीछे पड़े हो। जब मैंने उसको डिटेल में समझा तब मुझे ये समझ में आया, तो मैंने सोचा आपको भी समझा देता हूं। अगला है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। इसमें अभी हाल ही में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने, किसने, खाद्य और सार्वजनिक वितरण पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिपार्टमेंट और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने राज्य सरकारों, स्टेट्स और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा है कि भाई नफ्सा में यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में आप सभी तरीके के विकलांगों को शामिल करें। वो गरीब हो ना हो लेकिन उन्हें विकलांग की श्रेणी में शामिल करते हुए उन्हें आप इसके अंदर डालें, तो उन्हें राशन कार्ड दिए जाएं और उन्हें फ्री का राशन उपलब्ध कराया जाए। कुल मिलाकर मतलब यह है मंत्रालय के निर्देशानुसार इस योजना के तहत कवर नहीं किए गए लोगों को नए राशन के साथ कवर कर लीजिए और पंजीकरण के बाद उन्हें अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एनएफएसए और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न का कोटा प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज अभी जो जारी किया गया था ना 20 लाख करोड़ का पैकेज, उसमें ये जारी किया गया। इसके जरिए क्या होना है ये इंपॉर्टेंट है, इसके जरिए 5 किलोग्राम अनाज मिलेगा, चाहे वो गेहूं ले लें चाहे वो चावल ले लें, फ्री मिलेगा। अलग से 5 किलो जो है वो सब्सिडाइज फूड ग्रेन मिलेंगे यानी कि मोटा अनाज मिलेगा, और साथ साथ एक किलो जो दाल होगी वो सभी को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा प्रदान की जाएगी। साथ साथ अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत भी वो रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। तो अभी हाल ही में किसको शामिल करने को कहा है उपभोक्ता मंत्रालय ने, किसको शामिल करने को कहा है, उन्होंने विकलांगों को अब इसके अंतर्गत शामिल करने की बात की है कि आपने अभी तक शामिल नहीं किया हो तो उन सभी विकलांगों को शामिल करिए जो भी राज्य सरकार में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगली जानकारी है नुआखाई त्यौहार। नुआखाई का मतलब होता है नया खाना, तो नुआखाई त्यौहार जो है इसके लिए प्रधानमंत्री ने पूरे देश को बधाई दी है, क्योंकि ये कई राज्यों में ये त्यौहार नई फसल के समय मनाया जाता है और गणेश चतुर्थी के दौरान इसको मनाया जाता है। इसमें नया चावल खाना या नया खाना, नुआखाई का मतलब होता है नया खाना। फिलहाल अगर देखा जाए तो ये उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा और झारखंड के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाने वाला एक बहुत ही प्राचीन त्यौहार है। तो नुआखाई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, ये छत्तीसगढ़ में मिल जाएगा, उड़ीसा में मिल जाएगा, झारखंड में आपको मिल जाएगा, वही पूरा रीजन आ रहा है निकल के ना। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं, तो अगली जानकारी में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट को इस बार का राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की योजना की शुरुआत देश में खेल के संवर्धन और विकास के लिए की गई थी, और इस बार यह पुरस्कार किसको दिया जा रहा है, पुणे के आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट को। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, कितना पढ़ोगे क्या याद रख पाओगे। तो आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे, क्या उनका पुरस्कार मिला, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 इनको प्रदान किया गया है। अगली जानकारी की तरफ चले, बचपन में जब मैं छोटा था, अगर अब आपने कभी पूछा नहीं, मैं लेकिन फिर भी बता देता हूं, जब मैं छोटा था तो मैं वायुसेना में पायलट बनना चाहता था। मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि पायलट कैसे बनते हैं, मेरे को ये भी नहीं पता था कि कमर्शियल कैसे बनते हैं, गवर्नमेंट वाले पायलट कैसे बनते हैं। लेकिन हाँ, जब जहाज देखा करता तो मुझे लगता है कि हर जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर पायलट बनने का ही सपना आ जाता है। लेकिन अगर पहले मुझे काफ़ी साल तक यही नहीं पता चला कि कैसे पायलट बनना है, नहीं रहे आसपास उस तरह के पढ़े लिखे लोग। लेकिन अब अगर किसी बच्चे को यह पता करना है कि उसे इंडियन एयरफोर्स कैसे ज्वाइन करनी है, तो इसके लिए एक जो है एक ऐप डेवलप किया गया है, आप इसको डाउनलोड कर लो और इंडियन एयरफोर्स से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपके पास आती रहेगी। तो हाल फिलहाल वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया, जिन्हें आरकेएस भदौरिया भी कहा जाता है प्यार से, तो भारतीय वायुसेना में शामिल होने के इच्छुक
उम्मीदवारों को कैरियर से संबंधित जानकारी और विवरण प्रदान करने के लिए माई आई एफ माने कि माई इंडियन एयरफोर्स नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो माई आई एफ ऐप किसका है? ये भारतीय वायुसेना का है। डिजिटल इंडिया पहल के तहत इसे किसने बनाया है? इसे सीडेक ने बनाया है। ऐप सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा जहां उपयोगकर्ता भारतीय वायुसेना के अधिकारियों और एयरमैन दोनों के चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, वेतन और भत्तों आदि के विवरण के बारे में जानकारी आराम से हासिल कर सकेंगे। इस ऐप में भारतीय वायुसेना के इतिहास और वीरता की झलक भी आपको देखने को मिलेगी। तो भारतीय वायुसेना के वर्तमान समय में हेड कौन है, भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? वो है राकेश सिंह भदौरिया। अगली जानकारी है, जैसे कि आपको पता है कि हर जिले से या मतलब ऑलमोस्ट पूरे देश से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिए जाते हैं, तो इस बार भी हाल ही में लद्दाख के एक सरकारी स्कूल के शिक्षक सोनम ग्याल शान को 2020 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों के लिए चुना गया है। लद्दाख से किसी को चुना जाना ये बड़ी बात है, इस वजह से ये न्यूज में है। वह लेह लद्दाख के खारू ब्लॉक में स्थित मिडिल स्कूल टकनाक शक्ति के प्रमुख शिक्षक हैं। श्री सोनम ग्यालसन ने सरकारी स्कूलों के बारे में ग्रामीणों के बीच में विश्वास बनाया और स्कूल में छात्रों की सुविधा और परिणामों में सुधार करने के लिए सभी प्रयास किए हैं, जिसके लिए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। क्योंकि लद्दाख जो है आसान क्षेत्र रहा, आपने देखा काफी सारा मतलब वहां पे चेंजमेंट आए हैं। लद्दाख के जो वर्तमान समय में राज्यपाल हैं वो कौन है? राधाकृष्ण माथुर। और शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता उपराज्यपाल सॉरी शिक्षा मंत्रालय और स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग द्वारा गठित एक स्वतंत्र जूरी ने शिक्षकों के नवाचारों समाचार के शिक्षण के साथ उनकी उत्कृष्टता के लिए चुना है। तो आपको याद रखना होगा, बस इतना सिंपल था, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान पता होना चाहिए कि लद्दाख के एक व्यक्ति है, उनका नाम है सोनम ग्यालसन को 2020 के राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कारों के लिए चुना गया। अगली जानकारी है, ये थोड़ा सा अलग दिख रही होगी क्योंकि इसमें पिक्चर वगैरह नहीं निकली है, मैंने बहुत जल्दी में तैयार किया। श्रीलंका जो है वो एक नया संविधान संशोधन करने जा रही है, नया संविधान ही लाने जा रहा। तो श्रीलंका ने के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, जिन्होंने 2019 में निर्वाचन हुआ जिनका, ने संसद के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि वो राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने वाले 19वें संविधान संशोधन को खत्म कर देंगे और संसद को मजबूती प्रदान करेंगे। 19वां संविधान संशोधन था क्या? 19वां संविधान संशोधन शायद इसीलिए लाया गया था कि राजपक्षे परिवार कभी सत्ता में ना आ सके और आए भी तो उसको कमजोर किया जा सके। तो वर्ष 2015 में पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के कार्यकाल के दौरान इसे पारित किया गया था। इसने न केवल राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों को बढ़ाने की कोशिश की गई बल्कि न्यायपालिका, सार्वजनिक सेवा और चुनाव जैसे प्रमुख स्वतंत्र आयोगों को भी मजबूत करने की मांग की गई। इसने राष्ट्रपति पद के दो कार्यकाल की सीमा को वापस ले लिया। समकालीन श्रीलंका के इतिहास में प्रगतिशील कानून के रूप में नागरिक समाज के सदस्यों सहित कई लोगों द्वारा इसका स्वागत किया गया था। हालांकि राजपक्षे कैंप द्वारा 19वें संविधान के संशोधन खंडों को अपने नेताओं की सत्ता में वापसी को रोकने के लिए मुख्य रूप से देखा गया था। ऐसा उन्होंने देखा कि मतलब राष्ट्रपति के पास शक्ति कम की जाए, बाकी लोगों को बढ़ाया जाए, लेकिन अब राजपक्षे परिवार क्या करने वाला है, इसको बिल्कुल पलटने वाला है। तो अब क्या होगा कि इसके उन्मूलन से राजपक्षे की सत्ता पर पकड़ मजबूत होगी क्योंकि देश अपनी पिछली संवैधानिक स्थिति में वापस आ जाएगा जिसमें राष्ट्रपति पुलिस, न्यायपालिका और सार्वजनिक सेवा के लिए अधिकारियों की नियुक्ति कर सकते हैं और एक वर्ष के बाद कभी भी संसद को भंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक बढ़िया कानून जो था उसको वहां से हटाया जा रहा है और कहीं ना कहीं श्रीलंका तानाशाही की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि दोनों भाई महिंदा राजपक्षे और गोटाबाया राजपक्षे क्रमशः प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पद पर वहां मौजूद है। अगली जानकारी है, जाकिर खान दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन के चेयरमैन बने हैं। जाकिर खान को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। किनको? जाकिर खान को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जफरूल इस्लाम का कार्यकाल खत्म होने के बाद जाकिर खान को नया चेयरमैन बनाया गया है। अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन का कार्यकाल 3 साल का होता है। उपराज्यपाल अनिल बैजल की स्वीकृति के बाद सोमवार को राजस्व विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार आयोग के 2 सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है। इनके नाम क्रमशः कंवलजीत सिंह और नैन्सी बार्लो हैं। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग उस समय चर्चा में आ गया था जब दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम बोले थे कि भारत के मुसलमानों ने अरब देशों में जिस दिन शिकायत कर दी उस दिन जलजला आ जाएगा। तो इसके बाद बहुत ज्यादा घमासान हुआ, बहुत बवाल हुआ, तो ये सारी चीजें वहां पर हुई। तो आई थिंक उस समय ये चर्चा में थे क्योंकि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग चर्चा में था, इस वजह से इसके अध्यक्ष का नाम जरूर पूछा जा सकता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का नाम क्यों, अभी चर्चा में था। चर्चा में जो चीज रहती है वो करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, इसको याद रखिएगा। न्यूज फटाफट की बात करें तो सोफिया पोपोव ने अभी हाल ही में महिला ब्रिटिश ओपन जीत लिया है। कौन सा ओपन जीता है? महिला ब्रिटिश ओपन।
किसने जीता है? सोफिया पोपोव ने। इस प्रमुख खिताब पर कब्जा करने वाली जर्मनी की पहली महिला गोल्फर बन गई है। किस देश से बिलोंग करती है? जर्मनी के। विश्व की 304 नंबर की खिलाड़ी सोफिया पोपोव ने स्कॉटलैंड के रॉयल ट्रॉन में थाईलैंड की जैस्मिन सुवानापुरा को हराकर यह खिताब जीता है। ब्रिटिश ओपन, इसे ओपन चैंपियनशिप या द ओपन के नाम से भी जाना जाता है, यह सबसे प्रतिष्ठित गोल्फ टूर्नामेंटों में से एक है और यह दुनिया का सबसे पुराना गोल्फ टूर्नामेंट है। इसे 1860 में स्थापित किया गया था, इसलिए यह भी इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिटिश ओपन किसने जीता है? सोफिया पोपोव। नाम से याद रखेगा, जैसे पाओ, ठीक है। एक और बुरी खबर है, ये बुरी खबर यह है, कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगी हुई है और बेहतरीन तरीके से वो बढ़ती चली जा रही है। सारे जो सिस्टम है, सारा जो प्रयास है, वो फेल होता चला जा रहा है और लगातार ये बढ़ती चली जा रही है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगल में लगी भीषण आग को एक आपदा घोषित कर दिया है। सैन फ्रांसिस्को के खाड़ी क्षेत्र और उसके आसपास के जंगलों में ग्रामीण इलाकों में आग ने भारी तबाही मचाई है। आग से कैलिफोर्निया के सबसे पुराने राज्य पार्क बिग बेसिन रेडवुड पूरा बर्बाद हो गया है। 400,000 एकड़ से अधिक में फैले हुए जंगल समाप्त हो चुके हैं। ऐतिहासिक रूप से कैलिफोर्निया में दावानल की कई घटनाएं हो चुकी हैं जो हाल के दिनों में कई गुना बढ़ी हैं। अभी कुछ दिन पहले ही कई जानवरों की तस्वीर देखने को मिली थी जो काफी जल गए थे, तो भगवान न करे कि इस तरह का कुछ हो। तो अभी कहां आग लगी हुई है? कैलिफोर्निया के जंगलों में। और अगली जानकारी चाइना से, चीन ने अपने 5वें गाओफेन 9 सीरीज के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को लॉन्च कर दिया है। चीन ने उत्तर पश्चिम चीन के जियोकुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अपने 5वें पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन का लॉन्च सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट वाहक द्वारा इसको कक्षा में भेजा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल। चीन की राजधानी बीजिंग है, चीन में मुद्रा चलती है रेनमिनमी, चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। तो गाओफेन किसका, ये आपको ऐसा याद रखना है कि गाओफेन सैटेलाइट, ये जो पूरा एक सिस्टम है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया जाता है। चाइना ने अभी हाल ही में अपना मार्स मिशन भी भेजा था, आपको याद है, क्या नाम है उसका? तियानवेन 1 नवगठित। अच्छा, तियानवेन 1 से याद आया, आपको ये बताने ही भूल गया ना कि केंद्रीय सामाजिकता मंत्री कौन है? TC गहलोत, थावरचंद गहलोत। नवगठित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का प्रमुख कौन होगा? तो वो होंगे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, यानी कि वर्तमान समय में TC गहलोत। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत किसे शामिल कर लिया है? सभी पात्र विकलांगों को शामिल किया गया है। और दुनिया में सबसे ज्यादा बार डाउनलोड किया जाने वाला COVID-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन कौन सा है? आरोग्य सेतु। नुआखाई जोहार महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में। को राष्ट्रीय, और किसको अभी हाल ही में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो पुणे स्थित आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट। अब देखो, याद हो रहा है ना, अपने आप ही याद हो जाता है, पढ़ोगे तो जरूर याद हो जाएगा। हाल ही में सोनम गालसन को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। वो किस राज्य में शिक्षण कार्य करते हैं? तो लद्दाख से बिलोंग करते हैं वो। और हाल ही में सोफिया पोपोव महिला ब्रिटिश ओपन के खिताब पर कब्जा किया है, वो किस देश की है? तो जर्मनी की है। पहली महिला गोल्फर बनी है जिन्होंने ये खिताब जीत लिया है। और राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने IAF में शामिल होने वाले इच्छुक उम्मीदवारों के लिए अभी हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो उस ऐप का नाम है MyIAF, यानी कि माई इंडियन एयरफोर्स। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में किस जंगल में आग लग गई है? कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगी हुई है जिसे आपदा घोषित किया है। और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? जाकिर खान को। अब बारी आज के क्विज की। नुआखाई जोहार महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये अगर देखा जाए तो जो ऑप्शन उपलब्ध है उनमें उड़ीसा में। और किसको राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत किसे शामिल करने का निर्णय किया है? तो ऑल एलिजिबल डिसेबल्ड, सभी पात्र विकलांगों को। हाल ही में सोनम ग्यालस्यान को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार के लिए चुना गया है। वो किस क्षेत्र में शिक्षण कार्य करते हैं? तो वो लद्दाख से बिलोंग करते हैं। और हाल ही में सोफिया पोपोव महिला ब्रिटिश ओपन खिताब पर कब्जा करने वाली किस देश की पहली महिला गोल्फर बन गई हैं? तो वो जर्मनी से बिलोंग करती हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा बार डाउनलोड किया जाने वाला COVID-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन कौन सा है? वो आरोग्य सेतु है। अभी हाल ही में इन्होंने एक API इंटरफेस इस पर लॉन्च किया है जिसकी वजह से ये चर्चा में था। API इंटरफेस का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यानी कि एक ऐप के जरिए आप दूसरे ऐप को कनेक्ट कर सकते हो। इससे फायदा ये होगा, लेट अस सपोज माई पाठशाला का एक ऐप है, तो यहां पर हम एक लिंक के जरिए सीधे सीधे आपको आरोग्य सेतु पर पहुंचा सकते हैं। इसमें आरोग्य सेतु में मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति माई पाठशाला प्रयोग कर रहा है, है ना, कोई व्यक्ति माई पाठशाला प्रयोग कर रहा है, उसका ID यहां पर मैच कर गया। अगर उसको कोरोना हुआ या COVID-19 हुआ तो उसकी डिटेल हमें यहां पर प्राप्त होने लगेगी। तो दो ऐप के बीच में कनेक्शन का इंटरफेस जो होता है उसे API इंटरफेस, यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कहा जाता है।
नवगठित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का प्रमुख कौन होगा? तो वो मिनिस्टर होंगे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी कि सामाजिक न्याय और सहकारिता मंत्रालय। और IAF में शामिल होने वाले इच्छुक उम्मीदवारों के लिए कौन सा एक नया ऐप बनाया गया है? उसका नाम है MyIAF। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में किन जंगलों में लगी हुई आग को आपदा घोषित कर दिया है? तो वह है कैलिफोर्निया की जंगलों में लगी आग को आपदा घोषित किया है। और किसको दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो वह है जाकिर खान। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।